सब लोग कह रहे हैं ले आओ, तो ले आऊंगा इस बार इंशाल्लाह। चलो तो विंटर देखें, सीजन ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है। हमारे यहाँ तीन मौसम है, ठीक है, मेन हमारा मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है हमारे इंडिया का, और क्लाइमेट तो इंडिया का है, और इसमें सीजन बदलता है। सीजन का मतलब जो चीज बदल रहे वो सीजन है ना। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, गाना नहीं है, तो मौसम इतना बदलता है, ठीक है, कि उस पर गाने बनते हैं, ठीक है ना। तो विंटर, समर और मानसून, तीन तरह की हमारे यहाँ सीजन है। विंटर जो अभी चल रहा है, ठीक है, और मानसून जो कि जब हमारे यहाँ बारिश होती है खतरनाक वाली, ठीक है ना, ओके, और समर जब गर्मी पड़ती है। ये तीन सीजन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये सीजन होने की वजह क्या है, हमारा क्लाइमेट कैसा है, सीजन क्यों है, उसकी वजह यह है कि हमारा मानसून टाइप क्लाइमेट है। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मैंने आप लोगों को कुछ कहा था, मैंने ये कहा था कि भाई मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है मानसून वाला वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी इसको रहने दो, क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ रहे थे, राइट। तो यहाँ क्योंकि हमें इंडिया पढ़ना होता है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से पढ़ना होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे हमने रखा था। और देखिए हमारा जो वेदर फिनोमिना है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ओके। मौसम, मौसम का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड। क्या मतलब होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, यानी सीजनल जो जो रिवर्स होती है विंड्स, हवाएं जो रिवर्स होती हैं उसको बोलते हैं क्या? मौसम। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इस वाले पार्ट को देख के, और आपको समझ में आएगा कि ITCZ का नाम लिया था मैंने कभी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। बात किया था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो मैंने बताया था शिफ्ट होता है, और क्यों शिफ्ट होता है वो मैंने आपको बताया, क्यों शिफ्ट होता है जरा याद करो, रिकॉल करो। जैसे जैसे सन का अपेरेंट मूवमेंट होगा, सन मैंने बताया था या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा पहुंचेगा, या तो फिर मैक्सिमम, या तो फिर मिनिमम, नीचे कहां जाएगा मैक्सिमम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। तो जैसे जैसे वो चलेगा गर्मी भी लेके चलेगा, जाएगा ना भाई मौसम, क्योंकि सूरज के सीधे ताप पड़ने से ही तो हमारी गर्मी हो रही है। तो सन का जो मूवमेंट होता है ऐसे या ऐसे, नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड, ठीक है, उसकी वजह से पूरा सिस्टम भी तो शिफ्ट होगा। जैसे अभी ठंडी है, तो ठंडी क्यों है? क्योंकि सन जो है ट्रॉपिक ऑफ, हमारे यहां ठंडी है, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया है सन अपेरेंटली, दिसंबर में चला जाता है आपको पता है, और वो ट्रॉपिक ऑफ किस वक्त? कैप्रिकॉन पे, ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास है, मतलब वहां जब पहुंच जाएगा दिखेगा तो वहां तो गर्मी होगी, हमारे यहां उसकी लाइट स्लेंट पड़ रही होगी, तिरछी पड़ रही होगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, समझ रहे हो, तो हमारे यहां पे स्लेंट पड़ रही होगी, इसलिए हमारे यहां दिन कैसे होंगे, लंबे होंगे, वो रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होंगे, सूरज जल्दी ढल जाएगा, जल्दी छुप जाएगा ना, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि हमसे दूर है वो, तिरछा पड़ रही है उसकी रोशनी, सीधे नहीं, हमारे सर पे नहीं बैठा हुआ है सन, गेटिंग। और जब वो अपने गया तो अपना सिस्टम भी लेकर गया, वो जो है शिफ्ट हुआ जब, तो वो जो ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन था जहां पे लो प्रेशर, देखिए टेम्परेचर बढ़ता है लो प्रेशर बनता है, ये मैं बता चुका हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वहां वहां लो प्रेशर बनेगा, या आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो, ठीक है, लो प्रेशर हुआ, हवाएं कन्वर्ज हुई, तो दोनों तरफ से हवाएं कन्वर्ज होंगी ना, अब वो जोन कौन सा है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हवाएं कन्वर्ज हो रही है, तो अभी अभी हवाएं कहां कन्वर्ज होंगी जरा बताओ मुझे, ऑस्ट्रेलिया की साइड में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की साइड में, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पहला वाला वो देखो मैप, पहला वाला जो पिक्चर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की साइड में यानी ऑस्ट्रेलिया की साइड में, तो इंडिया से जो हवाएं जाएंगी वो किधर जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया की साइड में जाएंगी, ठीक है, और जो ITCZ है उससे ऊपर उधर वाली हवाएं समुद्र वाली तो आ नहीं पाएंगी, ठीक है ना, वही टकराएंगी वो, तो दोनों जो कन्वर्जन हो रहा है वो किधर हो रहा होगा बताओ जरा, हवाएं किधर से जा रही होंगी, लैंड से, इंडिया के लैंड वाले पार्ट से हवाएं किधर जा रही होंगी, इंडियन ओशन की तरफ जा रही होंगी, देख रहे हो ना,
और वो जाते जाते कहां जा रही है, इक्वेटर से भी नीचे जा रही है। आप देख रहे हो, समझ रहे हो बात को, हवाएं जब इक्वेटर से भी नीचे जा रही हैं, देखो तो इसका मतलब क्या है कि हमारे, और वो जो हवाएं हैं उनको इंडिया में तो मॉइस्चर वॉइस्चर का कहीं से मिलेगा नहीं, क्योंकि लैंड से हवाएं जा रही हैं, तो क्या इंडिया में बारिश होने का कोई चांस है ठंडियों में? अगर वो जा रही हैं इंडियन ओशियन से, उनको मॉइस्चर मिलेगा, तो बारिश ऑस्ट्रेलिया की साइड में कहीं करेंगी, मेडागास्कर की साइड में करेंगी, इंडिया में तो करेंगी नहीं ठंडियों में, इसलिए इंडिया में बारिश नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरी तरफ क्या हुआ, गर्मी आ गई हमारे यहां, यानी सन किधर शिफ्ट हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आप लोग ये पढ़ चुके हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होके जाता है, इंडिया के बीच में से होके जाता है। यानी जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन आ गया है, तो कन्वर्ज किधर होंगी हमारे, लो प्रेशर कहां बनेगा, इंडिया पे बनेगा, इंडिया पे बनेगा ना, अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी इंडिया पे, तो हवाएं जो आएंगी कन्वर्ज होंगी किस साइड में होंगी, इंडिया की तरफ होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा वाला पिक्चर देखिए, ध्यान में रखिए। अब जो है, क्योंकि बोर्ड पे बनाने का वो नहीं है, यही पे बता दे रहा हूं, तो यहां पे अब वो कन्वर्ज हो रही है। ठीक है ना, अब जो है लो प्रेशर तिब्बतन प्लेटो खूब हीट हो रहा है, समझ रहे हो ना, गर्मी हो रही है एकदम जबरदस्त, और वहां लो प्रेशर खूब बन रहा है। तो अब जो हवाएं आएंगी वो किधर से आएंगी, इंडियन ओशियन की तरफ से, इंडियन ओशियन की तरफ से आएंगी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आएंगी, या तो अरबियन सी ब्रांच से आएंगी। अरबियन सी किस साइड में है, डायरेक्शन बताओ, इंडिया के किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में नहीं है यार, साउथ वेस्ट में। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल किधर है, साउथ ईस्ट में। तो दो ब्रांचेस मानसून की बन जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं है, सोचो साउथ वेस्ट मानसून एंड साउथ ईस्ट मानसून। तो आप मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी साउथ वेस्ट क्या है, साउथ ईस्ट क्या है। अगर साउथ वेस्ट मतलब अरबियन सी से आ रही है, साउथ वेस्ट मतलब, साउथ वेस्ट मतलब, और साउथ ईस्ट मतलब, क्लियर है? तो दो ब्रांचेज मानसून की दिखेंगी। अब हम जब बात करेंगे कि कौन सी ब्रांच से बारिश हो रही है, कौन सी ब्रांच है, वो बात की बात है, अभी यहां पे रहो। ठीक है, तो हवाएं इधर से आ रही हैं, और आप लोगों ने पढ़ा कि जब यहां ये आएंगी कन्वर्ज होंगी, और वो मॉइस्चर लेडन हवाएं हैं, उनको कोई बैरियर मिला, हिमालय या कोई भी बैरियर जहां भी मिल गया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जो भी बैरियर मिला, और इतना बैरियर है कि उसको रोक सकता है, या उसमें फनलिंग इफेक्ट कर सकता है, फनल बना सकता है, तो वहां पे जबरदस्त बारिश करेंगे। वेस्टर्न घाट पे जबरदस्त बारिश होगी, ऊंचा है, ईस्टर्न घाट थोड़ा नीचा है, तो निकल जाएंगे अंदर, थोड़ा अंदर जाके बारिश करेंगे दूर तक। ठीक है, तो बंगाल वाली ब्रांच से दूर तक बारिश होगी, नहीं होगी, क्योंकि वेस्ट ईस्टर्न घाट थोड़ा नीचा है, और गैप्स हैं उसमें, नॉर्दर्न सिरकाज और ऐसे ऐसे सब गैप्स हैं, नल्ला मल्ला वगैरह में, लेकिन वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस है, तो वहां पे विंडवर्ड साइड में खूब बारिश होगी, केरला वगैरह में, मुंबई में, लेकिन ईस्टवर्ड साइड में कम बारिश होगी, लीवर साइड में कम बारिश होगी। गाड़ी पूरी कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब देखो, और अगर ये उधर चला गया मेघालय की तरफ, तो फनेलिंग इफेक्ट कर देगा, फनल इफेक्ट कर देगा, कहां, गारो खासी जयंतिया में, और वहां मोसी राम और चेरापुंजी में खूब बारिश करेगा। लेकिन ये कब होंगी सब, गर्मियों में, जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहां पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, इंडिया के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो इंडिया में इसलिए गर्मियों में बारिश होती है, क्योंकि उधर से मॉइस्चर लेडन हवाएं आ रही है। ठीक है, लेकिन इंडिया में एक जगह देखो, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, तो जरा चेन्नई की कमर देखना, चेन्नई को देखना, वो कमर के बगल में है, देखो इंडिया का मैप में है, इंडिया का मैप देखो, चेन्नई कमर के जस्ट बगल में, इंडिया के दिख रहा है, थोड़ा बल्ब के बाद है ना, चेन्नई देखो, हाँ इंडिया का मैप में देखो ना, दिख रहा है, तो बीच में ऐसे गल्फ नहीं बना रहा है, कटोरा गल्फ बना रहा है। तो जब रिट्रीट होंगी मानसून, ये वाली हवाएं यहां से आ रही होंगी, तो जो 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 कमर वाला पार्ट है ना, जो थोड़ा गल्फ टाइप का बन रहा है हल्का सा, वहां से उनको मॉइस्चर मिल जाएगा, और चेन्नई के अंदर जो हिल्स हैं वो उसका बैरियर बन जाएंगी, रिजल्ट क्या होगा,
कि ठंडियों में भी बारिश कर देगा रिट्रीटिंग मॉनसून से। तो इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है चेन्नई जहां पर रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से भी बारिश होती है, ठीक है, बाकी कहीं पे रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से बारिश नहीं होगी। रिट्रीटिंग मतलब वापस हवाएं आ रही है, जब लैंड से हवाएं आ रही है मॉइस्चर मिल नहीं रहा तो बारिश कहां से करेंगी, वो थोड़ा सा मॉइस्चर अरबिया वहां से बंगाल से ले लेता है वहां पे और उसकी वजह से वो बारिश कर देता है वहां, ठीक है ना, चेन्नई में। उसके अलावा जो है अगर आप देखोगे जो नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है वो मैंने बताया था कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की वजह से वहां पे ठंडियों में बारिश होती है और उसकी वजह से जो है जो जेट स्ट्रीम्स है वो लेकर आ जाती है इंडिया में और वो नॉर्दर्न इंडिया में भी बारिश कर देती है, क्लियर है। तो सारा फिनोमिना समझ में आ गया मौसम का, आपको समझ में आया मोनी शमा, कुछ समझ आया, आवाज आ रही है तुम लोगों को? लेकिन ये तो कहानी वो है जो हमको सुनानी है, ये वो कहानी है जो हमको सुनानी है, बट ये तो सीधी सीधी कहानी तो नहीं होती ना, हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना, हमेशा तो बारिश नहीं होती ना। कभी आपने ये भी सुना होगा कि इस बार मानसून खराब है, कभी ये सुना होगा कि यार ये बारिश ही नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, लेट हो गया है, मानसून आया ही नहीं या बहुत ज्यादा आ गया, सुना है ना। तो अगर ऐसा ही होता तो हमेशा ऐसा होना चाहिए, नहीं तो इंसान करता है, डेली में पढ़ाता हूं ना, लेकिन किसी दिन तबीयत भी तो खराब हो सकती है, किसी दिन शादी भी तो हो सकती है, मतलब रिदा शादी में जा रही है, रिदा को पहले देखो तो यार तुम लोग। मौसम देखिए, यूनिक वेदर फिनोमिना पे हम बात कर रहे थे, अब आती है खेल, ये मैंने पूरा आपको जनरल चीज पढ़ाई है, ठीक है ना, सिर्फ ऐसा खेल नहीं होता है, ठीक है ना, खेल थोड़ा सा इससे अलग भी होता है, तो उसका आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो बहुत ही यूनिक फीचर है मानसून का, ठीक है, सडन ऑफसेट होता है, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, ग्रेजुअली एडवांस होता है, धीरे धीरे आता है, पहले वो केरला की साइड में पहुंचेगा, हम बोलेंगे जी एक जून है केरला पहुंच गया है मानसून, फिर ऐसे 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 बोलते हैं ना, ठीक है, धीरे ग्रेजुअली आता है और ग्रेजुअली रिट्रीट भी होता है, धीरे धीरे ही वापस भी जाता है, ठीक है ना। तो और रीजनल और टेम्परल वेरिएशन भी होता है, किसी रीजन में रीजनल उसकी जो जियोग्राफी है वहां पे हिल है कुछ है उसके वजह से बैरियर मिल गया, वहां की टेम्परल कंडीशन है टेम्परेचर वगैरह की वजह से वो वहां पे बारिश कर दिया, कहीं कहीं नहीं भी होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा थोड़ा सा अलग ही मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर इफेक्ट करने वाले, मानसून पे इफेक्ट होने वाले पांच चीजों को, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ थिंग्स आर इफेक्टिंग मानसून, लेकिन पांच चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कि, और ये बहुत ही डिफिकल्ट फिनोमिनाज है मानसून को समझना, मैकेनिज्म वेरी डिफिकल्ट, ये सब पढ़ने के बाद ही हम कहेंगे कि बहुत सी चीजें अभी भी अननोन है कि मानसून ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। जनरल चीज मैंने बता दी, अब इसके ऊपर इफेक्ट जो डालती है वो क्या क्या डालती है, एक तो मैंने कहा था ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल है यहाँ, ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट भी डालती है, सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ है, साउथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स हैं, ठीक है, ईएल नीनो ईयर या इंडियन ओशियन का ओसिलेशन है, ठीक है, इंडियन ओशियन डायपोल कहते हैं इसको, आगे बढ़ाऊंगा उसको, सोमालियन जेट्स हैं। तो ये बहुत सारी वजह हैं जो कि अभी आप पढ़ोगे, जिसकी वजह से जो है मानसून इंडिया में मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मानसून का मैकेनिज्म है। इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट्स की, किसकी बात करेंगे, ये इफेक्ट बहुत डालता है ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट, बहुत इफेक्ट डालता है, किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, इंडियन मानसून के ऊपर, ठीक है। अब ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट क्या होता है, तो देखें ऐसा होता है कि नॉर्दवर्न मूवमेंट ऑफ द सन जब होता है समर के टाइम पर, नॉर्दवर्न मूवमेंट ऑफ द सन मतलब कहां गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, खूब करेगा हीट किसको, तिब्बतन प्लेटू को खूब करेगा, तो लो प्रेशर बनेगा तिब्बतन प्लेटू पे, दिख रहा है ना, लो प्रेशर मतलब हवाएं ऊपर रेज करेंगी ना, ठीक है। उसके बाद में ये रेज जब करेंगी तो फिर ये क्या करेंगे, ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट क्रिएट करेंगी, क्या करेंगी, किसके ऊपर जेट क्रिएट करेंगी, ये तिब्बतन प्लेटू से ऊपर, देख रहे हो, ये ऊपर हवाएं गई बहुत तेजी से ऊपर क्योंकि बहुत हीट हो रहा है, और फिर ये क्या नाम है, जैसे मैंने आपको साइकिल बताया हुआ है ऑलरेडी, बता चुका हूं कि ऐसे होता है, दूसरी तरफ उनको लो प्रेशर दिखेगा ऊपर, जब यहां हाई हो रहा है तो दूसरी उधर भागेंगी, वो नीचे की साइड में मैस्केरिन या मेडागास्कर के पास यहां पे
मैस्करेन आइलैंड्स भी देखे हैं आपने, मैस्करेन हाई, यहां पे जो है ना ये बहुत ही हाई प्रेशर बनाएगी, ठीक है ना। ओके, तो तिब्बतन प्लेटू पे लो प्रेशर बनेगा नीचे और यहां पे हाई प्रेशर बनेगा कहां पे, मैस्करेन हाई पे। लेकिन ये हाई प्रेशर बिल्ड क्यों होता है, इतना स्ट्रांगली क्यों बिल्ड होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट्स बन रही होती हैं, और ये जो ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट्स जो बन रही हैं, समझिए इसको, ये बिकॉज तिब्बतन प्लेटू हीट हो रहा है इसलिए बन रही है। अगर इतना तेज हाई हीट ना हो तो ये वाला सिस्टम ही ना बन पाए, और ये सिस्टम नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट्स नहीं बनेंगी। और नीचे की साइड में हवाएं जो है वो किधर आ रही है, बहुत तेजी से, मैस्करेन हाई से किधर आ रही है, तिब्बतन प्लेटू की तरफ, यानी इधर जो हवाएं हैं उनको खींच कर किधर लाया जाएगा, इंडिया की तरफ लाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया पे जबरदस्त मानसून बनेगा, नहीं बनेगा, समझ रहे ना। ये सिचुएशन है जो कि इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, समझ रहे हो। एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर कभी भी ऐसे लाइनर लीनियर नहीं होता, वो कॉन्टूर होता है, एक जगह पे प्रेशर, फिर उसके ऊपर, फिर ऐसे ऐसे, यानी आइसोबार्स बनते हैं, ठीक है, एक पैकेट्स में बनता है, मतलब प्रेशर इस जगह पे प्रेशर है, फिर उसके बगल में वहां पे थोड़ा कम प्रेशर है, फिर ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, पैकेट्स में बनता है, कॉन्टूर टाइप में बनता है, जैसा कि दिख रहा है। सेकंड इक्विटोरियल ट्रफ क्या होता है कि समर के अंदर जो होता है ना, समर के अंदर देखो, समर में आपको क्या दिख रहेगा कि सन का जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, क्या होता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है सन का, ठीक है, तो आईटीसीजेड भी मूव करता है, और आईटीसीजेड जो पहले कहां पे था, आईटीसीजेड कैप्रिकॉन पे था, तो लो प्रेशर कहां रहा होगा, कैप्रिकॉन की साइड में, मैस्करेन हाई पे और इधर इंडियन ओशियन में, और ये सेल्स में होता है। मान लो दो सेल्स हैं, ठीक है ना, दो सेल्स हैं, एक मैस्करेन हाई पे, एक इंडियन ओशियन में, ठीक है ना, और अब सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन समहाउ किसी वजह से ये क्या होगा, जा जाके कहां मर्ज होंगी, अब ये लो प्रेशर कहां जाएगा, सीधे वहां जाएगा, क्या नाम है, कहां, बोलो भाई, आईटीसीजेड पे जाएगा ना, शिफ्ट होना चाहिए ना इसको लो प्रेशर को, अगर ये शिफ्ट हो जाए तो मस्त बात, लेकिन सेकंड इक्विटोरियल ट्रफ अगर ना जाए तो वो ऊपर चला गया, दूसरा वाला नहीं गया, इंडियन ओशन वाला, तो यानी वहां पे अगर लो ज्यादा टिबेटन प्लेटू ना हीट हो पाए, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए सेकंड इक्विटोरियल ट्रफ वाली, ठीक है ना, तब क्या होगा, तब भी मानसून गड़बड़ा जाएगा, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। वेन सेकंड इक्विटोरियल ट्रफ, ये जो सेकंड वाला है जो दिख रहा है ना इंडियन ओशियन में जो दिख रहा है ट्रफ, ठीक है, ओके, लो प्रेशर सेल जो आईटीसी है वो मर्ज नहीं हो पाता, अगर मेन सेल से जा नहीं पाता, यानी वहां तो लो प्रेशर हो रहा है लेकिन इधर भी लो प्रेशर है अभी पूरी तरह से। और ऐसा क्यों होता है, कई बार ऐसा होता है, आपको पता है हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो हायर होती है, ये देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है। अब मान लो कि उधर ज्यादा गर्म नहीं हो पाया, ज्यादा गर्म नहीं हो पाया तो ये ज्यादा ठंडा नहीं हो पाया, तो इधर अभी भी बराबर बात हो गई, तो मानसून जो जाना था उधर, लो प्रेशर इधर भी है, तो जैसे तुम मदद करना चाह रहे थे, तुम्हें डिस्टेंट पुअर दिख रहा है कोई बहुत दूर, लेकिन अभी डिस्टेंट पुअर की मदद करने से पहले मेरे बगल वाला भी गरीब है, तो मैं पहले इसकी मदद करूंगा, तो मैं डाइवर्ट हो गया ना मेरा पैसा। मान लो मुझे यहां पे तुम दिख रही थी, अब मैंने वहां पे मदद करनी थी, 50,000 रुपए थे मेरे पास, कहना लाओ मदद कर दूं, पता चला इधर भी गरीब दिख गया, मैंने कहा 25 तो वीक हो गया ना मानसून, क्लियर, ओके। तो अट्रैक्ट मोर मानसून टुवर्ड्स इंडिया इट इफ नॉट, और वीक अगर होता है तो समझ लो ना, अगर तिब्बतन प्लेटू पे हीटिंग अच्छी नहीं होती है तो मानसून अच्छा इंडिया में नहीं होगा, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है, ओके। तो अगर तिब्बतन प्लेटू में सिस्टम सही नहीं बनता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है, तो कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। और अगर बनता है तो फिर इंडिया की तरफ अच्छे से हवाएं आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, सोमालियन जेट ये टेम्परेरी बनती है, टेम्परेरी बनती है कैसे, जून जुलाई और अगस्त के टाइम पर ना, ये क्या होता है कि सोमालिया की साइड में सोमालियन जेट बनती है, लो लेवल पे अपियर होती है ओनली समर के अंदर, ये सोमालियन जो है सोमालिया की जो ओशियन करंट है उनको इंटेंसिफाई कर देती है ये, ठीक है ना, तेज कर देती हैं, और एक मतलब करंट जो है उसके एक ब्रांच इंडिया की तरफ भी होती है, तो पुश करती है, अगर सोमालियन करंट अच्छे से बन रही है तो उसकी एक ब्रांच जो होती है ना इधर डाइवर्ट होती है, क्योंकि इधर भी लो प्रेशर है, राइट, तो इस वजह से जो है स्ट्रॉन्ग सोमालियन करंट होगी तो बेटर मानसून होगा इंडिया में, ठीक है, क्लियर है। इसमें प्रेशर हाई कहां है, हाई प्रेशर यही मेडागास्कर मस्करेन हाई पे, ऊपर वाला वही जो एक जो है इंडिया की साइड में आ नहीं रही है,
और इधर नीचे सुमालियन जो उधर जा रही है, तो वो भी एक ब्रांच बन जाती है, लेकिन ये लोअर हाइट पे बनती है। ट्रॉपिकल स्टली जो वो बहुत ऊपर हाइट पे बनती है, ये नीचे हाइट पे बनती है, समझ रहे हो? वही वाली जेट की तरह से चलती है बहुत स्पीड में, ठीक है ना। वो तो ये दोनों तो टेम्परेरी थी, एक परमानेंट जेट स्ट्रीम भी देख, आपको पता है ये परमानेंट जो जेट स्ट्रीम होती है जो वर्ल्ड में चल रही है, कौन सी? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। आई पोलर भी है, सब ट्रॉपिकल है, लेकिन अभी हमारा कंसर्न कौन है? जो इंडिया के ऊपर चल रही है, इंडिया से थोड़ा ऊपर चल रही होती है, कौन सी? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसकी दो ब्रांचेज हो जाती हैं। जब आईटीसी जब नीचे जाता है ना, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमारे इंडिया के हिमालय के नीचे आ जाती है, समझ रहे हो ना? ठंडियों में, विंटर में क्या होता है, जब साउथ की तरफ आईटीसी जेट चला गया, तो सब ट्रॉपिकल वो जो सिस्टम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट का, वो इंडिया में हिमालय के नीचे आ गया और हमारे नॉर्थ इंडिया में पूरा हाई प्रेशर बना देता है वो, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में क्या बना रहा है? हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर की तरफ हवाएं आती नहीं है, उसे डाइवर्ट होती है, आपको पता है। तो ये अगर हाई प्रेशर मेंटेन रख गया इंडिया में, तो भी मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगर मेंटेन रह गया, वैसे मेंटेन नहीं रहता। अब देखो गर्मी में क्या होगा, अर्ली समर में ये शिफ्ट होती है, उधर साइड में जाती है, ठीक है ना, लेकिन वो एक साथ नहीं शिफ्ट होती है। हिमालय बहुत ऊंचा है, तो उसकी दो ब्रांचेस में उसको फाड़ देता है हिमालय, एक ब्रांच उसकी हिमालय के उस साइड में चल रही होती है और एक ब्रांच, ठीक है। जब अर्ली समर में यही हाल होती है, बायफर्केट हो जाती है। अब साउथ वाला जो है, ठीक है, साउथ वाला जो अभी इंडिया पे हाई प्रेशर बना रहा है, उसको शिफ्ट करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए? बहुत लो प्रेशर की कंडीशन चाहिए, किधर? तिब्बतन की साइड में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिफ्ट नहीं होगा। हाई प्रेशर जो सिस्टम है वो देखो, जो दूसरी ब्रांच है देखो ना, वो अगर शिफ्ट नहीं होता है, उस साइड में नहीं जाता है, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, फिर वहां हाई प्रेशर रहेगा तो मानसून हमारा वीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना, इंटायर नॉर्थ नॉर्थवर्ड पूरी साउथ में हो जाती है, यानी हिमालय के उधर चली गई, ठीक है ना, तब क्या होगा? सडन ऑफसेट होगा, ऑफसेट मतलब मानसून वानसून शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और क्या हो जाएगी? रीस्टेब्लिश हो जाएगा मानसून, ठीक है, क्लियर है, मानसून आना हो जाएगा। लेकिन अगर वो शिफ्ट नहीं हुई तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो ना। सदर्न ब्रांच अगर नहीं शिफ्ट होती है तो हमारे यहां मानसून वीक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हीट होने के बावजूद नहीं शिफ्ट होता है कंडीशन, और भी तो कंडीशन है, क्या वो हमारे यहाँ इसी इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या? उधर ट्रॉपिकल, उधर क्या में और स्ट्रीम जो आ रही है, जो उधर है मेडिटेरेनियन सी है और सब है, उधर नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है? तो कुछ ना कुछ उधर भी तो चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी तो कुछ वजह है, समझ रहे हो। उसके अलावा इंडिया में, इंडिया का आपको इंडियन ओशियन डायपोल मैंने आप लोगों को बताया था, वो आप याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एल नीनो ला नीना, वो कहानी मैंने आपको बताई थी कि अगर जो ये है वेस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक पूल और मेडिटेरेनियन हाई, इधर एक वो बनता है, पूरा पूल बनता है, ये मतलब एक सिस्टम बनता है, इधर हाई प्रेशर होगा, ऑस्ट्रेलिया की साइड में लो प्रेशर होगा, इंडिया की साइड में लो प्रेशर होगा, ये सिस्टम रहता है हमेशा, ठीक है ना। लेकिन एक आपने देखा होगा कि ये जो ओशियन का इंडियन ओशियन डायपोल है, एल नीनो अगर एयर हो जाए, एल नीनो मैंने कब क्या बताया था आप लोगों को, कि वहां पे क्या पेरुवियन कोस्ट पे, क्या बताया था? पेरुवियन कोस्ट पे गर्म करंट निकलने लगे, बताया था। और वहां जब गर्म करंट निकलती है एल नीनो ईयर में, तो क्या होता है वहां पे? लो प्रेशर हो जाएगा। नॉर्मली वहां हाई प्रेशर होता है, सबसे ड्राइस्ट डिजर्ट है अटाकामा, अभी तुम लोगों ने बोला ही था। लेकिन अगर वहां लो प्रेशर हो जाए तो कहानी उल्टी हो गई, गड़बड़ा गई। अब ये हवाएं जो आनी थी इंडिया की तरफ या पुश करनी थी, इंडिया के मानसून को अच्छा करनी थी, वो डाइवर्ट हो रही है लो प्रेशर की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से लो प्रेशर से हवाएं उधर चली जाएंगी, समझ लो ना। और जब इधर जाएंगी तो ऑस्ट्रेलिया के साइड में इधर लो हवाएं डाइवर्ट होंगी, है कि नहीं। तो इस तरह से जब सिचुएशन होगी तब क्या होगा, कहानी खड़बड़ हो जाए, खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब डायपोल होता है तो उसका भी असर होता है, तब हमारा मानसून वीक हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से लो प्रेशर क्यों ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उधर क्या नाम, वहां पे हाई प्रेशर है पेरुवियन में, तो इधर वो जो सिस्टम बन रहा है पूरा वो नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन एल नीनो जब ईयर आया तब वो वहां पे लो प्रेशर हुआ, तो सिस्टम पलटा नहीं है, पलटेगा नहीं। वहां पे हवाएं जो नीचे जा रही थी कन्वर्ज होती, वो डाइवर्ज होने लगी, जो हवाएं डाइवर्ज होती वो कन्वर्ज होने लगी वहां, देख रहे हो ना। तो ये सिस्टम पूरे उस पर चलेगा ना, साइकिल तो सुना है, वाकर साइकिल, फेरल साइकिल सब पढ़ा है ना, तो साइकिल ही तो बन रही है, समझ रहे हो ना। वाकर साइकिल पढ़ी थी ना, वो कहानी मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं यहां ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, बताया था ना। आईटीसीजे डज नॉट डेवलप प्रॉपरली ओवर द तिब्बतन, अगर नहीं डेवलप होता है आईटीसीजे पूरी तरह, ना डेवलप हो पाए, ज्यादा हीटिंग ना हो पाए, हैं भाई
अगर कभी ऐसा हो जाए, नॉर्मली तो होता ही है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि ज्यादा हीटिंग ना हो पाए ना बन पाए, तब कभी कभी किसी साल देख लो बहुत गर्मी पड़ रही है, किसी साल कम गर्मी पड़ रही है, क्योंकि उसमें हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे प्रॉपर ना बन पाए तब भी फ्लैक्चुएट हो जाएगा मानसून, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कई सारे वजूहत हैं मानसून के फ्लैक्चुएट होने की। सेकंड इक्विटोरियल ट्रफ अगर मज ना हो पाया डिसीजन में तभी मानसून फ्लैक्चुएट हो जाएगा, मैंने बताया। सदर्न ब्रांच उसकी उधर ना जाए तो भी फ्लैक्चुएट हो जाएगा। तो कई सारी वजह है, और अगर सही से हीटिंग ना हो तिब्बतन प्लेटू की तो भी ये रीजन है किसके फ्लैक्चुएट होने का। उसके अलावा अगर अगर क्या नाम है वो जो है ईएल नीनू ईयर आ जाए या लानीना ईयर आ जाए तो भी डिस्टर्ब होगा मामला, ठीक है। मानसून खराब होगा या तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी बनी। ओके क्लियर है। तो हमारी दो ब्रांचेस हैं मानसून की, एक अरबियन ब्रांच है, ठीक है, ब्रेस्ट ऑफ माउंटेन फर्स्ट मलाबार कोस्ट पे होगा, उसके बाद इसकी दो ब्रांचेस हैं इसकी हमारी निकलती हैं, एक हमारी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है, दूसरी अरबियन सी की ब्रांच होती है, राइट। दो ब्रांचेस होती है मानसून की हमारे यहाँ पे। अभी मैं उन ब्रांचेस के बारे में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, दो ब्रांचेस होती है बस इतना जानो, ठीक है। और अभी हम लोगों को, अभी आप लोग जाके एक बार पूरे ये जो कंडीशंस हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, एक बार रीडिंग करिए, अगर कोई डाउट दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, ना समझ में आए, वैसे तो समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ मैंने थोड़ा स्पीड में बताया है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बताया हुआ नहीं बताया हुआ, एक एक चीज मैंने बताई है, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, कैसे हीट होता है, आईटीसीजेड क्या होता है, बताया ना। तो अगर ये सब चीजें जानते हो तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्लियर है। तो क्या क्या तीन चीजें मैंने, क्या क्या मानसून पे इन्फ्लुएंस करता है, ट्रॉपिकल स्टडली जेट्स बन रही हैं अगर अच्छे से पुश कर रही हैं, सेकेंड इक्विटोरियल ट्रफ वो बताया, ठीक है, साउथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स अगर वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, और अगर इसकी साधन ब्रांच अगर उधर नहीं गई तो दिक्कत है, और अगर उधर चली गई तो बस ठीक है बढ़िया, उधर से वो उधर रोकेगी भी, फिर प्रेशर भी डालेगी, है ना। और सोमालियन जेट अगर बन जाती है हमारे यहाँ, मतलब सोमालियन जेट अगर बन जाती है तो बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ मानसून करेंगी फिर वो, ठीक है। ईएल नीनू ईयर आता है तो हमारे यहाँ मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा, लानीना आएगा तो मानसून अच्छा होगा, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इंडियन ओशियन का जो डायपोल बन रहा है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, वो पेरुवियन और ऑस्ट्रेलिया वाला जो डायपोल है, वो आकर साइकिल जो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, ईएल नीनू ईयर वगैरह वाला, तो उससे होता है। तो ये हम लोगों ने पूरी बात कर ली है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इंडियन मानसून का मैकेनिज्म समझ में आ गया, मुश्किल है क्या। बस एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ रखा है, जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है अच्छे से तो बहुत आसानी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाई है, जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, हवाएं ऊपर कैसे जाती है, कैसे हाई प्रेशर कैसे लो प्रेशर बनता है, सब बता रखा है ना। और अभी जो वीडियोज भी मैं डाल दूंगा उसकी, ठीक है, अभी फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की नहीं डाली है, सारी रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, मैं उसको डाल दूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है, अभी इंडियन ज्योग्राफी डाल रहा हूँ फिर डाल दूंगा, तो सब मिला के पढ़ लेना दोबारा, ठीक है, ओके। और बाकी ये फिनोमेनास पढ़ के आना, फिर कल मैं साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट वाले मानसून की बात करूंगा, लेकिन कल तो ऑफ है। हम लोगों ने मानसून कर लिया था, मानसून में हम लोगों ने बात की थी कि भाई इंडियन मानसून कैसा है, कैसे उसका प्रोग्रेस होता है, क्या चीज है उसके अंदर, और उसके फिनोमेनास क्या है, फीचर्स क्या है इंडियन मानसून के, उस पर हम लोगों ने बात की थी, किया था ना बात, और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। है आज हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने देखा यह है कि भाई हमारे यहाँ में मानसून की दो ब्रांचेस हैं जो कि समर में डेवलप होती हैं हमारे यहाँ पे, एक है आपका अरबियन सी ब्रांच, अरबियन ब्रांच, और दूसरा हमारा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये दो ब्रांचेस हैं। अरबियन सी ब्रांच जो है वो वेस्टर्न घाट पे बारिश करती है काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा विंडवर्ड साइड में बारिश होती है, लीवर्ड साइड में ज़्यादा बारिश नहीं होती, ड्राई रहता है वो, और उसके अलावा अरावलीज जो है एक्टिव बैरियर नहीं बनाती हैं अरबियन ब्रांच की, तो इसके वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, कठियावार वगैरह थोड़ा बहुत छोड़ के गुजरात राजस्थान ड्राई रहता है, इसी वजह से बारिश नहीं होती यहाँ पे। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे अरबियन ब्रांच की जो ब्रांच है वो हिमाचल और पंजाब तक पहुँचती है, क्योंकि गैप्स हैं, गैप्स की वजह से वेस्टर्न घाट में जो गैप्स हैं या जो रिवर वैलीज हैं उनमें जो गैप्स हैं वो इंटीरियर ऑफ इंडिया में भी पहुंच जाती हैं, और ये हवाएं हिमाचल और पंजाब तक तो पहुंच जाती हैं, क्योंकि अरावलीज एक्टिव बैरियर नहीं बनाती हैं। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है उससे ईस्टर्न घाट में, क्योंकि काफ़ी गैप्स हैं तो उससे डिसकॉन्टीन्यूअस रेंज है, वो ब्लॉक नहीं कर पाती उतना, तो ये लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पहुँच जाती हैं और इनलैंड में, और फिर वहाँ पे विंध्या सतपुरा बैरियर का काम करते हैं तो वहाँ बारिश होती है, या छोटा नागपुर प्लेटू वो बैरियर काम करता है वहाँ बारिश होती है।
तो ये यहाँ पे बारिश करती है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट साइड में जाती है ब्रांचेस, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेघालयन प्लेटू में फनलिंग इफेक्ट की वजह से और हैवी रेनफॉल होता है। उसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है वो बारिश ज़्यादा पाई जाती है। हमारे यहाँ एवरेज जो रेनफॉल है वो लगभग 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के आसपास होता है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ जो है वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश है आप देखेंगे यहाँ पे, तो टू वेस्टर्न घाट में नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश दिख रही है, एवरेज इंडिया में 100 सेंटीमीटर बारिश दिख रही है, और इधर ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा बारिश है और वेस्टर्न इंडिया में थोड़ी कम बारिश है, और 60 सेंटीमीटर एवरेज जो जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर और यहाँ सब जो है बारिश जो आपको मिलेगी, और 20 सेंटीमीटर थार वगैरह की साइड में जाएगा तो 20 सेंटीमीटर से कम बारिश मिलेगी, और 60 सेंटीमीटर इधर जो है विदर्भा वगैरह रीजन में भी कम बारिश है, रायलसीमा रीजन में भी कम बारिश है। तो ये यहाँ पे ये हमारा है गुजरात कच्छ वगैरह में भी थार है, कच्छ कच्छ है डिजर्ट वगैरह वहाँ पे बारिश बहुत ही कम है। तो ये हमारा रेनफॉल पैटर्न है। उसके अलावा हमारा रिट्रीटिंग मानसून की वजह से भी मैंने बताया बारिश होती है जब ITC जब शिफ्ट होता है, और ये जब रिट्रीट होती है तो यहाँ पे बारिश होती है, चेन्नई तमिलनाडु कोस्ट के अंदर बारिश होती है, साइक्लोन वगैरह जब आ रहे होते हैं तो ये रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर ये इसको इंडिया की तरफ खींचती हैं वैसे, तो इस पर हमने बात की। उसके बाद में आपका जो है पैटर्न चेंज हो रहा होता है तो उसमें क्या नाम है हवाओं का इंट्रैक्शन की वजह से साइक्लोन वगैरह भी डेवलप होते दिखाई देते हैं। उसके अलावा आपका वेस्टर्न जो विंटर के अंदर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से दो वजह से बारिश मैंने बताई, वेस्टर्न डिस्टरबेंस मैंने बता दिया क्या होता है क्योंकि मेडरेंज टाइप का क्लाइमेट जो है वो ले आती हैं कौन सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स, और उसकी वजह से यहाँ पे बारिश हो जाती है। उसके अलावा प्री मानसून यानी मानसून शुरू होने से पहले भी हमारे यहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है, वो आपका जो है प्री मानसून थंडर काल बैसाखी या विंटर स्टॉर्म वगैरह के नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी के नाम से, बैंगो सावर और बॉसम सावर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जो है बेसिकली मानसून है, और मानसून के अलावा अगर आप देखेंगे हमारे विंटर के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया कि विंटर के अंदर हमारे यहाँ बारिश होती है, वैसे तो हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो समर में होती है लेकिन विंटर में भी हमारे यहाँ कुछ जगहों पर बारिश होती है। एक जगह तो नॉर्थ मैंने बताया कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई के अंदर जो जो रिट्रीटिंग मानसून है उसके वजह से बारिश होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आती हैं वो लैंड से आ रही होती हैं, ड्राई विंड होती हैं, लेकिन जब वो बे ऑफ बंगाल से पास होती है तो उनको मॉइस्चर मिल जाता है और फिर वो कोस्ट लाइन पर तमिलनाडु के रेनफॉल कर देती हैं। दूसरा हमारे यहाँ रेनफॉल होता है वो मैंने बताया आपको मेडरेन सी में, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेडरेन टाइप क्लाइमेट जो है वर्ल्ड में वो मेडरेन टाइप क्लाइमेट जो है वहाँ पे ठंडियों में बारिश होती है, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स जो है वो मौसम यहाँ ले आती हैं वो ठंडियों में, तो वो उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में आपको बारिश मिलेगी, ठीक है, कभी कभी, नहीं तो हमारे यहाँ समर में बारिश होती है नॉर्मली, ठीक है, समझ में आ रही बात। और हमारे यहाँ जो बारिश होती है जैसे समर के अंदर, वो जब समर में जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो थोड़ा बहुत शुरुआत में जो मानसून से प्री, तो उसको प्री मानसून थंडर वगैरह स्टॉर्म कहते हैं, ऐसी भी बारिश होती है जब शुरुआत होती है थोड़ी थोड़ी हवाएं आनी शुरू होती हैं, ऐसे जो छुटपुट बारिश होती है जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू होता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नॉर्थवर्ड साइड में हमारे यहाँ जब सन आ रहा होता है उस समय हवाएं जब ये शिफ्ट हो रहा होता है पैटर्न उस टाइम भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, प्री मानसून थंडर के नाम से उसको जानते हैं या मैंगो सावर के नाम से भी जानते हैं या ब्लॉसम सावर के नाम से भी जानते हैं, वो छुटपुट बारिश होती है, और या काल बैसाखी भी कहा जाता है उसको वेस्ट बंगाल के अंदर, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, ऐसी भी बारिश होती है। तो हमारे यहाँ जो बारिश है नॉर्मली समर में होती है, लेकिन उसके अलावा समर के अलावा जो कि हमारे यहाँ मानसून की वजह से होती है, उसकी दो ब्रांचेस मैंने बताई आपको, अरबियन सी ब्रांच है और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। उसके अलावा हमारे यहाँ बारिश ठंडियों में भी होती है, वो मैंने आपको बता दिया, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, दूसरा जो है आपका रिट्रीटिंग मानसून की वजह से तमिलनाडु कोस्ट पे होता है। उसके अलावा समर में प्री समर यानी समर जब ठीक से डेवलप नहीं हुआ है मानसून, उससे पहले भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्री मानसून थंडर, और ये जो थंडरस्टॉर्म ये जो होता है इसको काल बैसाखी, मैंगो सावर या ब्लॉसम सावर के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। आई कंट्री है तो धूप तो गर्मी तो मिल ही रही है हमें, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस का तो कोई कमी है नहीं क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री में ऐसी सन तो रहता ही रहता है, तो ट्रॉपिकल जो कंट्रीज हैं उनमें सनलाइट मिल रही है, अब बस कमी किस चीज़ की होती है, बारिश की। अगर बारिश ठीक ठाक मिल जाए तो अच्छा खासा वेजिटेशन होगा, नहीं होगा बताओ, डाइवर्सिटी होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी ना। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो हमारे यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी टेम्परेचर वगैरह की तो है ही है। तो हमारे यहाँ आपको पता है बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है हमारी, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है,
रेनफॉल पैटर्न भी उसी तरह वेरी करता है, तो वेजिटेशन भी उसी तरह मेजर वेरी करेगा, क्योंकि जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है वेट एवरग्रीन हो जाएंगे, जहाँ पे थोड़ी कम बारिश है लेकिन है लेकिन तो ड्राई एवरग्रीन भी होंगे। हमारे यहाँ डेसिडस फॉरेस्ट यानी कम बारिश हो रही है तो डेसिडस फॉरेस्ट भी होंगे, हमारे यहाँ ट्रॉपिकल बहुत ही कम बारिश है तो वहाँ पे ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट भी होंगे। तो हमारे यहाँ बहुत तरह के मतलब फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत तरह का वेजिटेशन, और आपको पता है जिस तरह का वेजिटेशन उस तरह के एनिमल, उस तरह के जीव जंतु, उस तरह की जो है कंडीशन। तो आगे हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है किस किस तरह से जो है वो है वेजिटेशन है, किस तरह से वेजिटेशन है उसका, वो सारा कुछ डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। तो रेनफॉल आपको समझ में आ गया कि क्यों कैसे है, कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है, उसी रीज़न में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से वेजिटेशन है, यानी वेजिटेशन का मतलब किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये हमारा वेजिटेशन वाला अगला टॉपिक है और उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये आपका दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, साथ साथ में आपका इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट विल डिस्कस इंशाल्लाह। और एक बार बारिश वर्जिश का पैटर्न देख लीजिए, अभी हमें क्लाइमेट का पैटर्न भी पढ़ना है, बारिश के साथ साथ क्लाइमेट वेजिटेशन ये सब पढ़ना है, क्योंकि इंडिया में जैसे वर्ल्ड में आपने क्लाइमेट पढ़ा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह सब पढ़ा है, ट्रॉपिकल डिजर्ट ये सब, इंडिया में भी क्लाइमेट टाइप है कुछ, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास वेजिटेशन।